हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। दिल्ली पब्लिक स्कूल शहीद पथ से नई वैकेंसी निकाली गई है, प्री प्राइमरी एंड PRT टीचर्स, जहां फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा TGT और PGT में ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों ही जो है अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पर अनुभव चाहिए और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ फ्रेशर भी जो है एलिजिबल रहने वाले हैं। सभी राज्यों के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सैलरी 6th पे कमीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मिलने वाली है। तो चलिए, कैसे आवेदन करना है सारी चीजें हम समझेंगे। तो ये जो है पूरा विज्ञापन है, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहां पर अनुभव चाहिए और कुछ पोस्ट ऐसी रहेंगी जहां पर विदाउट एक्सपीरियंस भी जो है आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। दिल्ली पब्लिक स्कूल शहीद पथ से वैकेंसी है सेशन 2024-25 के लिए। तो चलिए एक एक करके जो है वो देख लेते हैं सभी पोस्ट। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी बताई जा रही है। ह्यूमैनिटीज में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी की। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी की। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जो है बायो एंड मैथ्स के स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल जा सकेंगे। IIT की है वैकेंसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंग्लिश की वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की है एंड फाइन आर्ट्स की वैकेंसी है। ये सब्जेक्ट हैं PGT में। तो यहाँ क्वालिफिकेशन कहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में आपका BEd कंपलसरी होना चाहिए और अनुभव भी जो है यहाँ पर PGT टीचर्स के लिए चाहिए 4 साल का अनुभव CBSE स्कूल में पढ़ाने का। ठीक है, दूसरा देखें पोस्ट TGT ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी, जहाँ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट साथ में BEd होना चाहिए। टेट, CTET जो है यहाँ पर नहीं मांगा गया है। ठीक है, अनुभव मांगा गया है 3 साल का CBSE स्कूल में पढ़ाने का। नेक्स्ट PRT एंड प्री प्राइमरी टीचर, जहाँ केवल फीमेल ही जो है यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगी और PRT के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ में BEd होना चाहिए और या NTET और STET यहाँ पर मांगा गया, साथ में 2 साल का अनुभव भी यहाँ पर मांगा गया है। प्री प्राइमरी टीचर्स फीमेल के लिए कोई भी जो है यहाँ पर अनुभव एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ग्रेजुएशन के साथ में BEd या NTT आपका होना चाहिए। अदर टीचर्स की भी जो है वैकेंसी है, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, कंप्यूटर साइंस एंड फ्रेंच की, जहाँ कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 2 साल का अनुभव होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर लैब की। ठीक है, नेक्स्ट जो है एडमिन की वैकेंसी है, जहाँ ट्रेंड अकाउंट्स मैनेजर विद अ क्वालिफिकेशन ऑफ ICWA फाइनल और CA इंटर एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स, अकाउंटेंट आल्सो रिक्वायर्ड। और इसके अलावा जो है फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, एडमिशन काउंसलर की वैकेंसी है। ठीक है, फीमेल में यहाँ PA टू द प्रो वाइस चेयरमैन फीमेल की यहाँ पर आवश्यकता है। अच्छे से हिंदी इंग्लिश जो है वो बोलना आना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर मांगी गई है, टाइपिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। हेड ऑफिस एग्जीक्यूटिव मेल के लिए है वैकेंसी, जहाँ कंप्यूटर की जो है वो नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इंग्लिश जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए हेड ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए। सैलरी यहाँ लिखा है एज पर UP स्टेट 6th पे कमीशन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर सैलरी अलग अलग पोस्ट की अलग अलग रहने वाली है। बाकी दिल्ली पब्लिक स्कूल की जो सैलरी होती है काफ़ी अच्छी रहती है, आप सभी जानते हैं। PGT की अगर हम बात करें तो 80,000 तक जो है यहाँ पर सैलरी अधिकतम मिलती है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट सेंड देयर अपडेटेड CV अलोंग विद देयर लेटेस्ट फोटोग्राफ विद इन 10 डेज ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट। जैसे विज्ञापन जारी हुआ है उसके बाद से लेकर 10 दिन तक आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आप लोगों को मेल करना है अपना CV और लेटेस्ट फोटोग्राफ। ये ईमेल एड्रेस है vacancies.dpss@gmail.com। ठीक है, ये जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रही जो भी आवेदन करना चाहते हैं कैंडिडेट अदर टीचर्स के लिए। और प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, विदाउट एक्सपीरियंस आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी में जो है हायर क्वालिफिकेशन बिल्कुल मांगी गई है। PGT में तो BEd भी जो है मांगा गया है, CTET या TET जो है यहाँ पर नहीं मांगा गया PGT एंड TGT के लिए। ठीक है, तो ये स्कूल की मेन वेबसाइट है दिल्ली पब्लिक स्कूल शहीद पथ लखनऊ। बाकी जो है स्कूल के बारे में यदि आपको जानना हो तो मेन वेबसाइट पर आप चले आएँ और जान सकते हैं।
दिल्ली पब्लिक स्कूल में जो है पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी होती है और साथ में यहाँ पर टीचर्स को सैलरी भी जो है काफ़ी अच्छी दी जाती है। ठीक है, सैलरी के बारे में आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना करें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वैकेंसी जिस भी स्टेट की आती है बिल्कुल आप लोगों को बताई जाएगी। रेगुलर रहें चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस जरूर करें ताकि जितने वीडियो बनते हैं वो आप लोगों तक जो है समय पर पहुंच सकें और डेट ना निकल पाए उससे पहले आप लोगों को पता लग जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।